हे गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूं तलोजा फेज़ टू ये बताने के लिए कि यहां कौन कौन से डेज को मार्केट लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि तलोजा फेज़ टू में किस किस दिन मार्केट लगती है, और जो सेक्टर 34-36 में आए हैं उनको भी शायद नहीं पता होगा। तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को हेल्प हो जाए और पता चल जाए कि कौन कौन से डेज को कौन कौन सी मार्केट लगती है। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ तलोजा फेज़ टू सेक्टर 27 आसावरी के मेन रोड पे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेन रोड है, उसी पे दोस्तों ये वेडनेसडे मार्केट लगती है, जो कि आप सामने देख रहे हैं बुधवार बाज़ार। और दोस्तों, जो दूसरी मार्केट होती है वो लगती फ्राइडे को सेक्टर 20 गोल्डन हाइट के पास में आपको सेकंड मार्केट देखने के लिए मिल जाएगी। पेंडर स्टेशन के जस्ट बाजू में सेक्टर 20 आता है, उस जगह पर। और जो तीसरी मार्केट लगती है वो है संडे को, जो कि आसावरी का जो गेट स्टार्ट होता है और तलोजा मेट्रो स्टेशन का जो ब्रिज एंड होता है, उसी जगह पर ये छोटी सी मार्केट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों 3 मार्केट लगती है। ये बुधवार मार्केट है, जो कि आसावरी के गेट के जस्ट अपोजिट में आपको मिडल वाले रोड पे ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी, जहां पर आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है, जो कि रिजनेबल प्राइस में, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स, कपड़े और जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, सब के सब आपको देखने के लिए इधर पर मिल जाती है। फ्रूट्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो ये दोस्तों देख लीजिए, ये मेन रोड है आसावरी का, और उसी के अपोजिट में ये सारे वेजिटेबल्स की दुकानें लगी हुई है। और दोस्तों, उसी के सामने जो साई मेडिकल है सेक्टर 27 के अपोजिट वाले रोड पे, आगे आपको अंदर एक ग्राउंड है छोटा सा, उसी के अंदर आपको वेजिटेबल्स के ज़्यादातर मार्केट अंदर लगी रहती है। जैसे अभी आप देख रहे हो रोड के सामने जो लगा हुआ है, ये तो ऑलरेडी है मार्केट, लेकिन जो अंदर ग्राउंड होता है उसके पास भी बहुत ज़्यादा तादाद में जो वेजिटेबल्स के स्टॉल होते हैं वो लगे हुए होते हैं। अब ये साइड में आप देख रहे हैं, रोड के साइड में दोनों तरफ वेजिटेबल मार्केट है, और अंदर लेफ्ट साइड के ग्राउंड में मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वहाँ पर भी आपको जो मार्केट है वो लगी हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये जो 3 दिन है ये आपको कंटिन्यू बेसिस पे अच्छी से मार्केट लगते हुए दिखाई दे देगी। जैसे आप देख रहे हैं सामने, सारी वेजिटेबल्स, कपड़े और ये रोज़मर्रा की जितनी चीज़ें, ये ग्राउंड जो मैंने आपको बताया, ये ग्राउंड में ही मार्केट लगता है, और जो मेन रोड पर है वहाँ से स्टार्ट होता है और इसी के एंड वाले रोड पर दोस्तों ख़त्म हो जाता है। और तलोजा फेस 1 में एक मार्केट लगता है, जो कि मंडे मार्केट है, उसमें आपको पूरे ग्राउंड में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप तलोजा में रहते हो और अगर आपकी जो वेजिटेबल्स वगैरह आपको लेना है रिजनेबल प्राइस में, तो ये 3 दिन तलोजा फेस 2 में वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, और मंडे के दिन दोस्तों तलोजा फेस 1 में मार्केट लगती है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।